मैं किसान एकता मोर्चे आईटी सेल का हेड हूं और पिछले एक महीने से इसको चला रहा हूं। और बातें को सामने आई थी कि हमारे ऊपर क्वेश्चन रेज हो रहा था कि हम लोग इसको कनाडा से अपरेट कर रहे हैं या इसकी फंडिंग बाहर से ले रहे हैं। ना तो हम लोग इसको कनाडा से अपरेट कर रहे हैं, हम लोग इसको इधर ही दिल्ली बॉर्डर पे ऊपर अपरेट कर रहे हैं, जहाँ पंजाब से, जहाँ हरियाणा यूपी ये वाली मतलब भारत से हम लोग इसको अपरेट कर रहे हैं। हम कहीं भी कनाडा से अपरेट नहीं कर रहे। हाँ, सॉफ्टवेयर जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं हम भारत से भी ले सकते हैं, हम कहीं यूएस से भी ले सकते हैं, कनाडा कहीं से भी ले सकते हैं, अगर हमें जरूरत पड़ती है तो। उसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सेकेंडली, एक क्वेश्चन ये भी रेज हुआ था कि हम फंडिंग, जो हमारी फंडिंग है वो बाहर से है, हम लोग फंडिंग कहीं से भी नहीं ले रहे, बाहर की तो छोड़िए, हम लोग भारत से भी किसी से फंडिंग नहीं ले रहे। और हमने ये ओपनली ये बात बोल चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म के जरिए, हमारी वीडियो डली हुई है, लाइव सेशन है, बीबीसी ने में आई थिंक कवर करा हुआ है कि हम लोग फंडिंग नहीं रेज करेंगे। हमारे नाम पे अगर कोई फेक पेज बना के आपसे फंडिंग की डिमांड करता है, किसी को फंडिंग मत दीजिए, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। अगर हमें जरूरत पड़ती है तो जो यूनियंस हैं हमारी, जो संयुक्त किसान मोर्चे में जितनी यूनियंस हैं, वही जिस चीज की जरूरत पड़ती है मैं उनको बोल देता हूँ, जो कमेटी वहां पे है वो मुझे प्रोवाइड करवा देती है। सो हम फंडिंग वगैरह कुछ भी रेज नहीं कर रहे। तो अभी अभी तक हमारे सब्सक्राइबर अप्रॉक्सीमेटली टुगेदर 25 लाख के आसपास हैं, 25 लाख हो सकते हैं। और जो रीच है हमारी, रीच हमारी तकरीबन 17-18 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। और जो भी वीडियो हम डाल रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है, जैसे कल मैंने विज्ञान भवन से अंदर से लाइव करा था, उसकी तकरीबन 6 लाख के आसपास रीच गई थी। और जो हमने कल रात को राजेवाल जी का लाइव करा था, उसकी भी तकरीबन 5.5 लाख रीच गई थी। सो हमारा जो मोटिव था पहले दिन से वो पूरा हो रहा है। सेकेंडली, हम इसको मोनोटाइज नहीं कर रहे, ना ही हम इसके ऊपर एड चला रहे हैं, ना ही हमने सुपर चैट ऑन करी है। सो ये पैसे बनाने का सोर्स नहीं है, ना ही फंडिंग लेने का सोर्स है, ये किसान जथेबंदियों का एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है।